बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलोज किचन। आज हमने पोमीग्रेनेट सूफले बनाए हैं। इससे पहले कि मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताऊं, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर नई रेसिपी की अपडेट्स मिलती रहे। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। एगलेस पोमीग्रेनेट सूफले बनाने के लिए हमें जिन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है उसमें थिक क्रीम या डबल क्रीम 200 ml 1 कप, 400 ml एवेपोरेटेड मिल्क, ये एक टिन है पूरा, 4 tablespoon शुगर, 1 packet जेली का रेड फ्लेवर में, मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ, 1 tablespoon जेलेटिन, 1 tablespoon आइसिंग शुगर, 1/2 cup कंडेंस मिल्क, 1 cup पोमीग्रेनेट जूस, 1/2 cup पोमीग्रेनेट डेकोरेशन के लिए, 1/2 cup वाटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1/4 cup वाटर में जेलेटिन को सोक कर देंगे। इसको मिक्स करके हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। डिजॉल्व हो गए इसमें, अब हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक सॉस पैन में पोमीग्रेनेट जूस ऐड करेंगे, साथ ये जेली का पैकेट ऐड कर देंगे और ये जेलेटिन जो हमने सोक किया है इसको भी ऐड कर देंगे। और इन सब चीज़ों को कुक करके, इतना कुक करेंगे कि ये सारी चीज़ें डिसॉल्व हो जाएं अच्छे से। ये हमने इतना कुक कर लिया है कि ये सब डिसॉल्व हो गया है। अब हम इसको फ्लेम से हटाकर थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे, जमने नहीं देंगे, बस ठंडा करेंगे। अब हम ब्लेंडर में एवेपोरेटेड मिल्क, शुगर और कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे। और अब इन तीनों चीजों को अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि ये थोड़ा वॉल्यूम में डबल हो जाए। ये हमने ब्लेंड कर लिया। अब हमने जो जेली और जूस का मिक्सचर बनाया वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से वापस ब्लेंड कर लेंगे। और अब हम इसमें अपनी 1/2 cup क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम ऐड करके अब इसको एक दफा और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब जिस भी सर्विंग बाउल में आपको सर्व करना है हम उसमें ये मिक्सचर ऐड कर देंगे, क्योंकि इसको सेट होना है 4 से 5 घंटे, हम इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये सूफले जब आपका सेट हो जाए तो फिर आप 1/2 cup जो आपके पास क्रीम है उसमें आइसिंग शुगर ऐड करके उसको सॉफ्ट पीक तक व्हिप कर लें और उसके बाद आप उसको डेकोरेट कर लें और जो पोमीग्रेनेट है उससे आप इसको सजा लें जिस तरह से आपको पसंद हो। ये ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।